हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजलक्ष्मी सिंह। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और बहुत टाइम बाद मैं आप लोग के साथ एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आप व्हाइट हेयर से या ग्रे हेयर से परेशान हैं तो आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगी। अगर आपको ब्लैक कलर पसंद है और वो भी नेचुरल ब्लैक कलर चाहिए अपने हेयर के लिए और उसमें कोई भी केमिकल ना हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू के साथ साथ मैं डेमो भी शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और ये है बुद्धा नेचुरल का ब्लैक हेयर कलर, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे कलर आते हैं लेकिन मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लैक कलर। ये बुद्धा नेचुरल का ब्लैक हेयर कलर पाउडर बाय, इसमें आपको पाउडर मिल जाएगा और इस तरह से इसका पैकेजिंग है। सो यू कैन सी गाइस, इस प्रोडक्ट की मैं इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें है हिना है, इंडिगो, आमला, रतन ज्योत, ब्राह्मणी, ये सब बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स है जो आपके हेयर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और ये 100% नेचुरल है। सो गाइज, इसके फुल नेम है बुद्धा नेचुरल लग्जरी आयुर्वेदा ब्लैक हेयर कलर। इसमें रतन ज्योत एंड ब्राह्मणी भी मिल जाते हैं। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये प्लांट बेस्ड है, 100% हर्ब्स केमिकल फ्री है, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल, नॉट आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, नॉट आर्टिफिशियल कलर, पैराबेन फ्री है और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। सो फ्रेंड्स, आप इसके आउटर पैकेजिंग, इनर पैकेजिंग देख सकते हो। मैंने इसे ओपन किया और अपने हेयर के अकॉर्डिंग, मतलब मेरे जो हेयर है उसके रूट्स में कुछ वाइट हेयर हैं और ग्रे हेयर हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पाउडर में लूँगी और अपने हेयर में अप्लाई करूँगी। इसमें मेंशन है आप रूट से लेकर लेंथ तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे रूट्स में कुछ ग्रे हेयर एंड वाइट हेयर है तो मैं अपने हेयर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पाउडर लूँगी। और उसके बाद क्वांटिटी है, आप 3 से 4 बार ईजली आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका हेयर थिन है तो आप 3 से 4 बार आप यूज कर सकते हैं, अगर थिक है तो 2 से 3 बार आप इजली आप कलर अप्लाई करने से पहले, एक दिन पहले आप अपने हेयर में शैम्पू ज़रूर करें और ये कलर क्लीन हेयर में अप्लाई करें। और इसमें मैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपके हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे मैं अपने हेयर में 2 से 3 आवर के लिए मैं छोड़ दूंगी, उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लूंगी। और अभी मैं कंडीशनर अप्लाई कर सकती हूं लेकिन 48 आवर्स के बाद मैं शैम्पू अप्लाई करूंगी। इस पे सारे डायरेक्शन दिए हुए हैं, आप इसे देखकर आप यूज़ कर सकते हो। और इसे रिपीट कब करना है, 20 डेज के बाद आप इसे रिपीट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरे हेयर और मेरे रूट्स में कुछ वाइट हेयर थे और ग्रे हेयर भी थे, तो बिल्कुल नेचुरल लग रहा है देखने में। तो आप लोग भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है तो आप इसे यूज कर सकते हैं और बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग भी इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली में, उन लोगों को भी ये वीडियो देखकर हेल्प मिल सके जो अपने हेयर के लिए नेचुरल ब्लैक कलर चाहते हैं और कोई भी केमिकल उसमें ना हो, 100% नेचुरल हो। ये वीडियो देखकर उन लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी, तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग पास पहुँच सके। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।